हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मैं आज की वीडियो में एक खास बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं यूट्यूबर में कैसे आई हूँ, तो आप सबको अच्छे से मालूम नहीं है कि मैं कैसे आई, मेरे यहाँ तक की जो जर्नी है वो कैसी थी। तो यूट्यूबर बनने तक की जर्नी बहुत ही लॉन्ग है, तो ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जाने मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो चलिए अपनी कहानियाँ, लाइफ स्टाइल की कहानियाँ सुनते हैं, आपसे बांटती हूँ मैं। दोस्तों नमस्ते, और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और मेरे चैनल में आने के लिए आप सबको शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरा जो YouTube में आने का जो जर्नी है वो मैं आप सबसे कैसे शेयर करूँ। आप सबको तो पता भी नहीं होगा मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आज मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने चैनल इसमें खोला है YouTube में, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूज़ हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, और आप सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सबको मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो मेरा नाम है, शादी से पहले थी मैं झुनू सरकार, और अभी मैं शादी के बाद बनी हूँ झुनू दास। तो मेरा जो बचपन है बहुत ही अच्छी बीती है, और मैं बहुत देश विदेश से मैं घूमी हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन आर्मी की बेटी हूँ, इंडियन आर्मी की बहन हूँ। अब मेरे डैड और मेरे भाई सब एक्स आर्मी हैं, तो अभी डैड के तो उम्र भी हो चुके हैं, और भाई भी एयरपोर्ट में फिर से जॉब उनको मिला है, पहले इंडियन ऑयल में मिला था रिटायर्ड के बाद, फिर अभी कर रहे। तो ये है मेरी फैमिली। मेरी फैमिली में है दो बहन एक भाई, तो सबसे बड़ी बहन हूँ मैं, उसके बाद है मेरी भाई, फिर उसके बाद है मेरी छोटी सी बहन। तो आपने मेरा भाई को भी देखा होगा, बहन को शायद मैंने नहीं मिलाया, मैं इस बार जाके मैं ज़रूर मैं आप सबसे शेयर करूँगी मेरी बहन को। मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही खट्टी और मीठी है, आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं अपना बचपन से शुरू करती हूँ। तो मैं जितना तक मेरा होश था, मैं छोटी थी, तो मैं पापा के साथ में, पहले दिल्ली में पापा पोस्टिंग थे, तो वहाँ पे हम लोग थे एयरफोर्स में, पापा का पोस्टिंग, वहाँ पे बिताई है, बहुत ही अच्छी बीती है, बहुत खेले, बहुत कूदे, बहुत घूमे, बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद में फिर डैड आए कश्मीर में, कश्मीर जब आए तो पहाड़ी बर्फ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़े से बीता। तब मेरी उम्र लगभग 15 ऐसे कुछ होगा, 15, क्योंकि मैं कश्मीर से हम लोग पोस्टिंग लेके डैड आसाम में आए थे, गुवाहाटी में पोस्टिंग आए थे। तो जब वहाँ से हम लोग पोस्टिंग आए, तो हम गाड़ी में बैठने लगे, तो मुझे सब आंटियों ने कहा कि झुनू तुम जा रही हो आसाम में, देखो तुम्हारे लिए कोई ज़रूर बैठा है वहाँ पे। तो मैंने हंसी में, तो मैं बच्ची थी, मुझे उतना तो नॉलेज थी नहीं, तो ऐसे ही था। तो मैं बोला ओके आंटी ठीक है, तो यहाँ पे चली आई। तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ी, डैडी का फ़ोन आ गया था, तो पकड़ना भी ज़रूरी है, थोड़ा उम्र हो चुके हैं तो फ़ोन रिसीव मैं करती रहती हूँ। तो ठीक है, तो मैं बता रही थी मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो आर्मी स्कूल में हुई है, क्योंकि डैड जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पे आर्मी स्कूल थे, सेंट्रल स्कूल थे, लेकिन मैं आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ। कुछ मैं बेंगोली स्कूल में भी पढ़ी हूँ कोलकाता में, कुछ मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो दोनों जगह मेरे मिक्स है। अब कुछ दिन मैं हिंदी हाई स्कूल में भी पढ़ी हूँ, हिंदी आती नहीं थी अच्छे से, इसीलिए। तो जो भी हो, तो मैं मैट्रिक तक पहुँची हूँ, बस इतना ही है। उसके बाद मेरी अचानक से मेरी नाना नानी आसाम में घूमने आए कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए, तो उन्होंने, तो मेरा सासों के साथ में उनका थोड़ा सा मुलाकात हुई,
तो उन लोग घूमने जाते थे शाम को, तो वहां से मुलाकात हुई। इसी सिलसिले में सास मेरे घर में एक दिन आए, तो मैं स्कूल से आई थी तब, तो मुझे देख के सास को बहुत पसंद आ गया। जाके बेटे को बोले कि मुझे यही बहू चाहिए, मुझे यही बेटी लेके लाके दो। मैं तब छोटी थी, पापा ने सोचा भी नहीं था। फिर मेरा नाना नानी से बात किया, तो मेरे नाना नानी बोले चलो ठीक है, लड़का गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो क्यों नहीं दे देते हो, बेटी को तो देना ही है तो दे दो। तो इसमें भी बहुत सारा कहानी है, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जब हमारा शादी फिक्स हो गया तो 1 अप्रैल आया था, तो हस्बैंड कभी भी नहीं आए थे, क्योंकि हमारा बस तब का दिन में इतना मिलना जुलना तो था नहीं। तो एक दिन अचानक आए, तो मैं बैठी हुई थी, तो मुझे बुलाया, मेरा मम्मी से मिले, मम्मी को बोला मम्मी झुनू है क्या, बता हाँ है, तो मुझे बुलाया, तो मुझे एक कागज का पुड़िया में मुझे कुछ दे के चले गए। तो मम्मी ने बोला चाय पी के जाओ बेटा, तो बोलते हैं नहीं फिर कभी। मैं बोला चलो जो भी कुछ लाए हैं तो मैं प्लेट में निकाल के मैं देती हूँ। जैसे ही मैंने प्लेट में डाला, तो इतने सारे राख, मतलब मेरे हस्बैंड ने पहले ही मुझे अप्रैल फुल बना दी। हम सब ने बहुत हंसा, और आज भी मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझे पहले से ही मुझे राख दे दिया। तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेहनत बहुत करते हैं, वो खाली काम नहीं बैठ सकते। कहीं पे भी उनका नाम चर्चा बहुत है, ऑफिस में भी चर्चा बहुत है। तो वो है MCM, मास्टर क्राफ्टमैन, अच्छे पोस्ट में है, और 3 साल 4 साल 3 साढ़े 3 साल है कि रिटायर हो जाएंगे। तो मेरे बचपन की जो पढ़ाई है, तो वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो पढ़ाई कंप्लीट हुई, यहाँ शादी की बात हुई। तो जब मैं कश्मीर में थी, तब कोलकाता में मैं गई थी, तो मेरा जो मौसी की एक बेटी है, वो एयरफोर्स में जॉब करती है कोलकाता। तो उन्होंने कहा मेरे डैडी को कि आपकी बेटी को भी जॉब लग जाएगा, तो ऐसे करें। तो मैंने सब कुछ इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फ्राइडे को आपका बेटी का ज्वाइनिंग है। मेरे डैडी को तो पसंद नहीं, उन्होंने क्या किया, बृहस्पतिवार को ही मुझे लेके चले गए कश्मीर। नहीं नहीं मेरी बेटी जॉब नहीं करेगी। तो वो मेरा सबसे अच्छा जो था जॉब का, मेरा ख्वाहिश अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, फिर मैं शादी हुआ, शादी के बाद फिर मुझे जो आसाम के जो डायरेक्टर हैं जो टेलीफिल्म वगैरह बनाते हैं, अचानक एक दिन शाम को सब कार उर लेके मेरे घर के सामने पूरे भर गए। तो हमें तो डर लगी, हमने क्या हुआ, हस्बैंड भी घर में थे, इवनिंग में आए थे, शाम शाम हो रहे थे। तो अचानक आके मिले, बहुत बातचीत किया, मैंने चाय वगैरह सबको दिया। मेरा घर पूरा फूल था, क्वार्टर ऐसे छोटा होता है, तो मेरा पालंग वालंग में सब बैठे फूल हो गए थे। फिर मैं बहुत पतली थी, अभी तो मोटी हूँ, पहले बहुत पतली थी मैं। तो उन्होंने बोला जी आपको एक टेलीफिल्म के लिए आपको साइन करना है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो मैं बोला आपने मुझे कहाँ देखा, मैं तो कहीं जाती नहीं। बोलते नहीं आपको कहीं, मैं तो फंक्शन में देखा था, और वहाँ पे आपका हस्बैंड का कोई दोस्त था, तो दोस्त से पता चला आपका घर यहाँ पे, तो उनको उनके साथ में आई। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ही होंगे मेरा, हमारे जो टेलीफिल्म के जो नायिका। लेकिन तब मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे थे, एकदम ही छोटे छोटे, सब 1.5-2 साल का छोटा छोटा, एक बेटा 3 बेटी। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम बच्चे को छोड़ के तुम जाओगी तो इनको इनको कौन देखेगा। तो मैं बोला ये भी बात सही है। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मैं बोला नहीं, सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ करने के लिए मैं रेडी रहूँगी, मैं तब कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तो अभी नहीं कर सकती कि मेरे चारों बच्चे मेरे बिखर जाएंगे, कौन देखेगा उनको। सास अकेले, सास का भी उम्र हो चुका है, कितने देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई है उनका। तो एक बार मैं अगर बाहर निकल गई तो मैं फिर बाहर की हो जाऊंगी, फिर घर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला पहले ज़माने का जो बात है तो बहुत कुछ अलग ही थे, तो वो दूसरा मैंने खो दिया। तो मेरे लाइफ में दुख भी था, फिर सोचे नहीं मेरे बच्चे तो मेरे अच्छे हैं। तो मेरे एक बेटा और 3 बेटी हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, भगवान करे मेरे जैसे बच्चे हर एक किसी को मिले। बहुत ही बच्चे अच्छे हैं मेरे, भगवान का दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप सबका आशीर्वाद है जो इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो जब उन लोग छोटे छोटे थे, तो मैंने सास को बोला माँ
चार बच्चे हैं, सरकारी जॉब है, तब तो पेमेंट भी कम थे, तो मैं कैसे चलाऊंगी संसार को, मेरा कैसे क्या होगा। तो सास ने बोला चलो ठीक है, मैं देखूंगी बच्चों लोगों को, तुम कुछ ना कुछ सीखो। तो शादी से पहले मैं क्रोशिया का काम करती थी, सिलाई ऊन का काम करती थी, वो सब में मैंने पैसा बहुत, मतलब उस समय में मैंने इनकम किया है। मैं खाली कभी नहीं बैठी, मैं स्कूल में भी जाती थी, क्रोशिया धागा लेके जाती थी, ऐसे करके पढ़ती थी, और मैं नीचे सिलाई कर रही हूँ। मुझे अभी इससे हंसी आता, मुझे इतना मेरा सिलाई का कढ़ाई का बहुत नशा था। फिर ऐसे करके तो मैं बोला चलो ठीक है, तो फिर मैं एम्ब्रॉयडरी का कोर्स किया, उसमें मेरा सर्टिफिकेट है। फिर फेब्रिक का किया, फिर टेलरिंग का किया, तो मैं टेलरिंग का भी बहुत मैं इनकम कर चुकी है, बहुत मतलब जो भी कमाया मैंने संसार में डाल दिया, जमाया कुछ भी नहीं। फिर दिल हुआ ब्यूटिशियन का, फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, आज ये 15-16 साल पहले की बात है। तो ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो मेरा अभी भी घर में छोटा सा एक पार्लर है, तो मैं बच्चों के लिए मैं कभी बाहर नहीं गई, मैं जो भी है सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का जो भी काम, तो मैं सब घर में की, क्योंकि बाहर जाने से टाइम आपको देना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर परिवार बच्चे सबको देखना है बोल के मैं कभी बाहर नहीं गई। तो उसका भी मैंने कोर्स किया है। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना कुछ सीखा, कभी कुछ मैंने मतलब कभी कुछ अपने लिए कुछ दुकान भी शॉप भी नहीं खोली कुछ नहीं, मुझे बहुत शौक था कि जॉब मैं करूं। तो दो बार ऐसे चला गया जॉब का अपॉर्चुनिटी, तो एक बार पिताजी ने रोक दिया, एक बार बच्चों की वजह से मैं रुक गई। तो बहुत ही एक दिल में कोने में होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे गवर्नमेंट का तरफ से मुझे एक चांस मिला, तो मैंने उसमें जो मल्टी कुजिन है, तो उसमें मैंने शेफ जो मल्टी कुजिन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैंने किया। खाना पकाने का तो एक्सपीरियंस है ही इतने सालों से, और मैं कुछ कुछ बनाते भी रहती हूँ। पहले तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, नहीं तो मैं जैसे तब करती थी तो बहुत फेमस हो जाती। तो जो भी हो, तो मैंने वो किया, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला है। उसके थ्रू मुझे 2-3 बार इंटरव्यू भी आए हैं, तो बहुत दूर पड़ जाते हैं जाने के लिए, तो मैं वो भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ अभी हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे लोग हैं घर में, तो मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी कैसे जाऊँ घर छोड़ के, घर को कौन देखेगा, घर फिर मेरा पूरा नष्ट हो जाएगा, संसार इतना सुंदर से बसाया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद में तो एक दिन पिछला जो 2018 की तो लक्ष्मी पूजा का दिन, तो मुझे बहुत शौक हुआ, मैं छोटी बेटी को बोली कि काश मैं ये थोड़ा मैं दिखा पाती, सबका यूट्यूब में देते हैं, मैं भी काश दिखा पाते। तो बेटे ने बोला वाह मम्मी ये तो बढ़िया है, आप क्यों नहीं देती। मैं बोला मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बेटी बोला चलो ठीक है मम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आज तो देंगे ही आपका, तो आज खोल दूंगी मम्मी, आप करो। फिर जो भी हो उसने रिकॉर्ड किया, और फर्स्ट जो मेरा वीडियो है यूट्यूब में, मेरा लक्ष्मी पूजा का दिन से शुरू हुआ 2018, और 2019 का जो लक्ष्मी पूजा था उसमें मेरा पूरा 1 साल हुआ। बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने पहचाना, बहुत मैसेज भी करते हैं, रोड में देखने से भी मुझे बोलते हैं जे आपने अच्छा कर रहे हैं, आप करिए, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना जो है मेरा अपना लाइफ है उसमें मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैं बांटूँ कैसे सबसे, तो मैं बस मैं सोची चलो मेरा अपना जो घर का जो भी है जैसा है मैं वही शेयर करूंगी। मेरा तो अभी फिलहाल घर छोटा है, मैं आपका घर का कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती। हाँ घर ज़रूर बनेगा, हस्बैंड अभी रिटायर होंगे, तो रिटायर होने से तो फिर मैं घर अच्छा से बनाऊंगी। तो उसके बाद में आया जो बच्चे मेरे 4 थे, फिर दिल में मेरा एक आया चलो मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई तो मैं बच्चे को ज़रूर पढ़ाऊंगी। तो बड़ी बेटिया ने 12th पास किया तो उनकी शादी हो गई, उनके 9 बार जब मेरी मझले बेटी थी उसने पास करके निकला थी उसकी शादी हो गई, दोनों 21 साल के अंदर 9 महीने के गैप में दोनों की शादी हो गई। तो बड़ी बेटी की 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, अभी वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, और मझली लड़की की एक बेटा है, और बेटा अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप कर रहा है, अभी फिलहाल कर रहे हैं,
और लड़की मास्टर डिग्री करके, छोटी बेटी एम कॉम किया है, तो मास्टर डिग्री करके अभी वो कुछ ट्रेनिंग भी कर रही है, साथ में जॉब भी कर रही है टीचर्स का। और मझेरी लड़की भी टीचर्स का जॉब कर रही है। तो मेरी बड़ी बेटी भी बहुत कुकिंग में अच्छी है, वो भी केक वगैरह बहुत अच्छी बनाती है, तो वो भी वो देती है कभी कभी फेसबुक वगैरह में। तो ये है मेरे जो बच्चों की है। आप बच्चे जब सेट हो जाएंगे पूरा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, फिलहाल अभी बच्चे सब ऐसे कर रहे हैं। मेरा बचपन तो हो गया, शादी भी हो गया, और मेरे बच्चे भी अभी फिलहाल बड़े हो गए। फिर मैं जब मुझे एक बेकरी का एक ऑफर मिला, तो बेकरी सीखने का, तो मैं वो भी सीखी हूँ। उसका भी मैं कुछ कुछ रेसिपी आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे कुछ भी काम सीखने के लिए मुझे मतलब उम्र के मुझे फिक्र नहीं है, मुझे अभी भी कुछ ना कुछ सीखने का मुझे बहुत दिल है कि मैं कुछ जो भी मिले मैं सीखना चाहती हूँ, कुछ भी मिले मैं मुझे करना है, मुझे ऐसे जोश है अभी भी। तो YouTube के द्वारा मुझे जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं दिखा सकूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो जब घर और मेरे बड़े बन जाएंगे तो मैं आप सबसे बहुत कुछ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, कैसे हो रहा है, क्या करना है, कैसे करूँगी, आप सबसे पूछूंगी भी। आप सब प्लीज़ मुझे डायरेक्शन दीजिएगा। तो हस्बैंड बोल रहे कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर कभी कुछ करना है, दिल है, तो ठीक है, तो तुम रेस्टोरेंट खोलो, तुम्हें खाना बनाने का इतना शौक है, तुम रेस्टोरेंट जरूर खोलो। तो बेटा ने भी कहा है, मम्मी और इतने दिन जब आप रुक गए, थोड़ी सी दिन और रुक जाइए। तो हम कहाँ सेट होते हैं, चाहे कोलकाता में हो, चाहे तो हम आसाम में हो, जहाँ पे भी सेट होंगे आपको एक रेस्टोरेंट खोल देंगे। आप उसमें अपना जो आपका दिल करे आप कीजिए, आप जैसा चाहे आप उसको चलाइएगा, वो आपका अपना होगा। आपने जो जो हमारे लिए जो जो आपने त्याग किया है वो खाली नहीं जाएगा मम्मी, आपको ज़रूर हम लोग कामयाब तो ज़रूर बनाएंगे। तो ऐसे करके मेरी लाइफ अभी चल रही है। और मेरे सबसे बड़ा तो परिवार है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, वो मेरे सब अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। मेरे दिल से मैं उनको उनको शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं एक आम हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जितने भी काम जानती हूँ, मैंने बाहर तो कुछ भी नहीं किया, जो किया मैं घर में अपना परिवार के लिए, क्योंकि परिवार को छोड़ के मैं कुछ नहीं सोच सकती। और मैं आपको मतलब दिल से बता नहीं सकती कि मेरे बच्चे लोग मेरे लिए क्या है। मेरे लिए सब कुछ थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ मैं कभी कभी, सॉरी। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके लिए मैं लड़ सकती हूँ किसी भी हाल में, किसी भी हाल में मैं लड़ सकती हूँ उनके लिए। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि बच्चे लोग सेट हो जाएं। मेरा जो काम है, मैं सोच रही थी कि मैं बच्चे को मुझे ऊंचा ऊंचाई में पहुंचाना है, वो कुछ अच्छे काम करे, सबसे पहले कि वो अच्छे इंसान बने। तो वो मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत पूरा किया, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे बात सुनते हैं, मेरे बात बहुत मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। अभी तक तो फिलहाल सब बहुत अच्छे हैं, भगवान का शुक्रिया है कि मेरे बच्चे सब अच्छे हैं। मैं कभी कभी थोड़ा सा बच्चों की जब बात आ जाती है तो मैं थोड़ी सी बह जाती, सॉरी। मैं अभी यूट्यूब में मैं ज़्यादा चैनल दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सब मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब लोग मुझे जाने पहचाने, आप सबका प्यार मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। हस्बैंड कहीं कहीं जाते हैं तो मेरे बारे में सुनते हैं तो उनको बहुत पसंद है, पता तो चलो तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम अच्छा है, ठीक है तुम कहीं कहीं जाओ, तुम वीडियो करो, वीडियो करके तुम यूट्यूब कह दो, तुम्हारा जो तुमने बच्चों के लिए किया है, घर परिवार के लिए, संसार के लिए किया है तो ठीक है, उसका तो बहुत ही अच्छा है। अभी अपने बारे में भी थोड़ा सोचो, तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माँ बाप भाई बहन मेरे सब अच्छे हैं, मेरी बेटी दामाद लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे सब आप लोगों का दुआ और भगवान के दुआ से सब कुछ अच्छे मिले हैं। तो मुझे सब्सक्राइबर उतना मिले ना मिले, मतलब व्यूवर्स उतना ना देखे तो भी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं वीडियो डालती रहूँगी, ये मेरी बहुत दिल से मुझे बहुत चाह है कि मैं वीडियो डालूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप सब प्यार करते हैं मुझे तो आप सब मेरे वीडियो ज़रूर देखेंगे, उतनी अच्छी तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं सीख रही हूँ आप सबका सुन के, आप सबका देख के, तो आप लोग ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो फिलहाल अभी तक तो मेरा बस इतना तक ही है, तो मेरा जॉब ही मेरी संसार है, और जो और मेरे मेरे परिवार में सिर्फ मेरे चार बच्चे ही नहीं और भी हैं, दो बिल्ली, हस्बैंड आए हैं और खाना लेके जाएंगे अभी। तो आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन है, जो मेरा अभी तक का जो है वो मैंने आपको बताया, एक मिनट कोई आए हैं, मैं कोई आए थे हस्बैंड का खाना लेने के लिए, तो अभी मैं खाना पैक की हूँ। सरकारी नौकरी यही है ड्यूटी, सुबह उठिए, हस्बैंड को खाना दीजिए, बच्चे को खाना खिलाइए भेजिए, बस यही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने लाइफ में मैं जो भी हूँ वो सक्सेस हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप में गर्व है। मैं एक दिल से जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया, क्योंकि आप जो भी कुछ दिल से करते हो तो भगवान भी आपका साथ ज़रूर देते हैं ना। तो जो मैंने आज बताया वो मेरे दिल की बात थी आप सबसे शेयर की। अभी मैं अगर पूरी कहानी बोलने जाऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, वो आप देखना पसंद नहीं करोगे। अगर आप सबको और भी कुछ सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो मैं पूरी लाइफ की कहानी पूरी की पूरी सुनाऊंगी। तो मेरा जीवन बहुत ही बढ़िया था, आशा करती हूँ आप सबका भी जो लाइफ है बहुत ही अच्छे से बीते होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप सबका लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सब क्या करते हैं। मैं तो बस अपना ये संसार ही कर रही हूँ, संसार के साथ साथ मैं बस अपना भी जो मनपसंद चीज़ मैं वो भी करती हूँ। तो अब बस एक यही है कि हस्बैंड रिटायर होंगे तो बस मेरा एक बड़ी सी सुंदर सी घर हो, क्योंकि बेटा बहू भी तो आना है, तो बेटी लोग हैं, दामाद लोग हैं, तो उन लोग भी आएंगे, नाती पोता होंगे वो भी करेंगे, तो मुझे तो बड़ी घर की ज़रूरत है। तो शायद मैं आप सबसे लाइफ लॉन्ग, जो भगवान ने अगर मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दी है तो जब तक मैं जीऊँगी मैं वीडियो ज़रूर करूँगी और आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर मेरी लाइफ आपको पसंद आती है, आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप सब अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन है पहले आपको मिल जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे परिवार में जुड़ जाए, क्योंकि आप ही हो मेरे परिवार, मेरा तो जो घर में जो परिवार है वो तो है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स है, इतने सारे व्यूअर्स जो देखते हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मेरे ही परिवार है। तो प्लीज़ आप लोग जो जो सब्सक्राइब करते हैं मुझे कमेंट करके अपना नाम बताइए, क्योंकि मुझे जानना है मेरे सब्सक्राइब सब कौन है, और मेरे व्यूअर्स बहुत है, आपको 4-5 हज़ार का करीब मेरे व्यूअर्स मुझे मेरे चैनल को देखे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो ठीक है, जब आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरी लाइफ आपको पसंद है तो। तो मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ में मैं प्रोफेशन भी घर में ही करती हूँ, सबसे बड़ा जॉब तो बच्चे को पालना था, वो मैंने पूरा किया, मेरे बच्चे सब सेट हो रहे हैं धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान की दुआ से, और हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, तो हस्बैंड के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी है सबसे पहले मेरे संसार में जुड़े हस्बैंड, उसके बाद आए बच्चे, तो पहले वो
उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद में मेरे दामाद लोग, फिर मेरे नाती पोती सब। तो मैं एक, मेरे भगवान ने जब लिखा होगा मेरे किस्मत तो बहुत ही अच्छी लिखी होगी, क्योंकि मेरे नसीब में इस उम्र में मैं नानी बन चुकी हूँ। तीन तीन नाती नातनी है मेरे, दो नाती एक नातनी, तो किस्मत वालों को मिलते हैं ना। तो हम लोग जब पूरा परिवार घर में रहते हैं तो हमें और दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतनी हंसी इतनी ठहाके लगते हैं घर में, खाना पीना मौज मस्ती करना बहुत इंजॉय करते हैं हम। जो भी हमारे घर में आते हैं मेहमान तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। घर छोटा है पर दिल हमारा बहुत बड़ा है, तो जो भी आते हैं खुश होके जाते हैं, दुआ दे के जाते हैं कि इतने से छोटे से घर में आप कैसे मैनेज करते हो। आप बाहर से देखने में तो ऐसे लगते हो अंदर में कैसा होगा, लेकिन जब अंदर में आते हैं तो उन लोगों को बोलते वाह ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि क्वार्टर सिस्टम है पूरा। बच्चे लोग क्वार्टर में लाइफ टाइम रहे हैं, मैं भी जिंदगी भर क्वार्टर में रही हूँ, तो हमें बाहर जाने की निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्वार्टर के अंदर में सब कुछ है अंदर में। तो वैसे ही मैंने ये घर भी बनाया है, तो आशा करती हूँ कि जब मेरे अपने और एक घर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आप सब ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसा घर बनाना चाहिए। तो कोलकाता में भी ज़मीन है, यहाँ पे भी ज़मीन है, तो मैं अब जहाँ पे बच्चे सेट होना चाहते हैं बस उनको पूछ के मैं डिसीजन लूँगी, उसके बाद मैं घर बनाऊँगी। तो शुरू से जो भी घर बनेगा मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और मैं जो घर में बना मैं एक्स्ट्रा नहीं करती कि आपसे रिकॉर्ड करके मैं कुछ करूँ, जो मैं घर में डेली बनाती हूँ मैं उसी को शूट करती हूँ, बस वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज आपको मेरा जो लाइफ की जो कहानी है मेरे बचपन से लेके मेरा आज तक यूट्यूबर तक, तो आप सबको कैसे लगी? अगर आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है ना, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे उन लोगों को भी। तो मुझे बहुत बहुत सारा प्यार चाहिए आप सबका, आप सबका दुआ ही मेरा काम आएंगे और मेरे बच्चे लोग भी सफल होंगे। आप इसके बाद के जो भी और भी कुछ होगा, जो होना है भगवान ने जो सोच के रखा वही होगा, और जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, कि आप ही तो मेरे अपने हो, है ना। और आप मुझे दुआ दीजिएगा दिल से कि मेरा जो घर संसार है बहुत अच्छा से हो, मेरे जो बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत खुश रहे। मेरी बिल्ली मुझसे लोग तंग कर रहे क्या, मेरा क्यों लगाया यहाँ पे? आए मारो मिनी। अभी हस्बैंड खाना वाना लेके जाएंगे, तो थोड़ा कैंटीन में भी जाएंगे हस्बैंड, तो अभी कार्ड लेके गए हैं। तो अगर आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 आप सब कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए कि कैसा लगता है, तो अभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सबको अच्छे लगते हैं। आप सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ आप कमेंट तो कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी लाइफ के जो कहानी सुन के आप सबको कैसा लगता है। मैं घर में इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि घर तो मंदिर है। मेरा एक ही काम था जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं और एक शेयर कर देती हूँ आपसे जाते जाते, क्योंकि जब मैं क्वार्टर में थी मैं चारों बच्चों को सुला के सुबह 4 बजे उठती थी। भोर 4 बजे उठ के मैं नहा धोवा के पोछा झाड़ू कपड़ा करके नाश्ता बना के सब बच्चों का टिफिन रेडी करके उसके बाद हस्बैंड का के लिए खाना भी पूरा बनाती हूँ, तो पूरा सबके लिए मैं बना देती हूँ, मैं बाद में गर्म कर लेती थी। सबका बना के हस्बैंड का टिफिन तक मैं रेडी करके तब बजते थे सुबह के 6 बजते थे, तब मैं जाके बाहर में जो कुर्सी है मैं पूजा उजा देने के बाद सबका, कोई नहीं उठता, बच्चे भी मेरे नहीं उठते, फिर मैं चाय की कप लेके मैं बाहर बैठ के चाय पीती हूँ। तो जो आस पड़ोस के जो आंटी लोग थे तो उन लोग बोलते जूनू तुम्हारा सब काम हो चुका है, मैं बोला हाँ मेरा तो सब काम रेडी है। तो हम लोग तो अभी उठे, कोई कॉलगेट कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, मेरा तो सब कुछ रेडी है। फिर उन लोग काम करते रहते मैं तो आराम से मैं बैठती हूँ। तब तो उतना टीवी भी नहीं देखती थी, लेकिन मुझे गाना सुनने का और गुनगुनाने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं गुनगुनाते रहती हूँ, गाना फुल वॉल्यूम में दे के बस मैं अपने काम में जो भी है, कढ़ाई की काम हो, क्रोशिया का काम हो, सिलाई की काम हो, टेलरिंग का काम हो, जो भी हो मुझे करना है, बस झूम झूम के मैं करती हूँ। बच्चे लोग सब चले जाते हैं स्कूल,
फिर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, हस्बैंड आएंगे शाम को 5 बजे, तो मैं अकेले क्या करूँ, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, तो मैं खुद ही सब कुछ करके, गाना मेरा बहुत कैसेट था, मैंने अभी सब फेंक दिया क्योंकि अभी तो जरूरी नहीं होता ये सब कैसेट का, सब ऐसे मैं किसी किसी को बांट दी, बहुत सामान बांट दी, तो क्या करूँ अभी तो मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मुझे गाना सुनने का आज भी शौक है, तो मेरी बेटी को बोलते मम्मी आप दर्द भरे नगमे क्यों सुनते हो, तो मैं बोला इसी में तो मजा है, क्योंकि देखो पुराना गाने का अभी नया चल रहा है ना, क्योंकि पुराना गाना कभी नहीं मरता, नए गाने आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन पुराने गाने जो मेरे मम्मी डैडी ने सुने वो हमने सुने, आज तुम लोग भी सुनते हो तो पुराना गाना जिंदाबाद है ना। तो मुझे आप सबसे शेयर करके पता नहीं क्यों आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लाइफ के बारे में पता कि आप सबको बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, कि मैंने बहुत दिन बाद किसी से शेयर किया है, वो भी मेरे परिवार से आप सब से। लाइफ में छोटी मोटी तो बहुत कुछ, बहुत दुख, बहुत कुछ है हुआ है, वो सब करूँगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे, आप सब भी सुनना पसंद नहीं करोगे, लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहते हो कि मेरे बच्चे छोटे से बचपन से उनका कहानी, उन लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे क्या बीमारी हुआ था, बहुत कुछ सीरियस बीमारी ऐसे हो गया था, अगर वो सब मुझे याद आते तो आज भी मैं अगर बच्चों से वो बात करती हूँ व किससे करती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, मुझे रोना ही आ जाता है, क्योंकि एक एक टाइम एक एक पल ऐसे था, मेरे 4 बच्चे थे और ना सास यहाँ थे ना मेरे मम्मी डैड कैसे थे, मैं अकेली, मेरा जब 22-23 का उम्र में मेरे 4 बच्चे थे, अब मेरे बेटी लोग मेरी बहन जैसी लगती है मुझे, मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, सब कुछ है, हम लोग चारों जो बेटी बेटा माँ हम लोग हस्बैंड सब बैठते हैं, हम लोग मजाक करते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं लाइफ को, हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं, चाहे किसी लड़की का बात हो, औरत का बात हो, लड़का का बात हो, जो भी हो, पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, हर चीज़ का, कहीं आस पड़ोस का हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने अपने परिवार के हम लोग इंजॉय करते हैं, अपना बात शेयर करके आज का दिन उनका कैसे बीता वो बताएंगे, तो हम लोग कॉमेडी से हंसते हैं, मेरे साथ में क्या क्या हुआ वो मैं बताती हूँ तो वो सब हंसती हूँ, तो मेरे परिवार तो और इतने से नहीं है, मेरे परिवार में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मेरे परिवार में मेरे 4 बच्चे, मेरे हस्बैंड यहाँ के, सिर्फ यहाँ के, 2 डॉगी, 2 बिल्लियाँ, अभी और एक आके बिल्ली जुड़ गई हैं तो 3 बिल्लियाँ, और मुर्गी मुर्गा छोटे बच्चे मिला के 50-60 होंगे, तो इतने की खाना बनाती हूँ मैं, उन सबको भी मैं खाना देती हूँ, टाइम टाइम से पानी, टाइम टाइम से खाना, सब मैं देती हूँ, मैं अकेला पेट का चिंता नहीं है, मुझे सबके पेट का चिंता करना पड़ता है, तो बच्चे लोग बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं तुम इतना पुण्य कमा रही हो तुम क्या करोगी, बोला देखो जो भी मैं करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, दिखावट तो मुझ में है नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है अपने में से, अगर थोड़ा सा मैं किसी का अगर पेट भर सकूँ तो क्या बुराई है, तो कुछ अच्छा हो ना हो भगवान जाने, लेकिन मैं दिल से खुश रहती हूँ, मैं किसी को खिला के अगर मेरा मन शांत रहता, मेरा मन पसंद रहता, तो मैं क्यों ना करूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही सब जितने पशु पक्षी है मैं उनको खिलाती हूँ, बाहर का भी अगर कोई आ जाता है तो बाहर का भी मैं खिला देती हूँ। आपको एक बार की एक कहानी मैं सुनाती हूँ, आज थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपसे पता नहीं क्यों शेयर करने का दिल हो रहा है, तो एक गाय को मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में मैं रोटी हो, पूड़ी हो, ब्रेड हो, केला हो, जो भी हो मैं उसको देती हूँ, खिलाती हूँ, तो ऐसे हमेशा वो आके आवाज़ देगा, तो मेरे बच्चे लोग मम्मी आपके और एक बेटी आ गई, बोला हाँ 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 रुको रुको रुको, चाहे जैसे भी हो जो भी रहे मैं उसको ज़रूर देती हूँ, वो खा के जाता है, तो ऐसे बहुत सालों से मैं कर रही हूँ। एक दिन अचानक मैं एक शॉप में गई, हमारा साइड में है शॉप, तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो मेरे जो डॉगी है दूसरे एक डॉगी के साथ में बहुत झगड़ रहे थे, गाय था बहुत दूर में उस, तो मैं चिल्ला रही थी, मैं अपनी डॉगी को बोल रही थी जैकी जैकी तू ऐसे मत कर, जैकी इधर आ जाओ, जैकी इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोल रही हूँ, वो गाय वहां से सुना, वो मुझे बचाने के लिए पूरे से दौड़ दौड़ के आके कुत्ते मेरे डॉगी मैंने दूसरे डॉगी में अटैक किया, हाँ मेरे को बचाया, वो सोचा कि मेरे को कुछ काटने के लिए, मेरे से कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं, तो गाय ने मुझे बचाया, तो आप सोच सकते हैं प्यार जानवर हो चाहे जो भी हो, हर कोई पसंद करता है, हर कोई अपना हो जाता है, उनको क्या मालूम कि वो दूर से, मैं भी चिल्ला रही थी, डॉगी भी चिल्ला रहे थे, वो सोच रहे थे कि डॉगी मुझे काटने आए हैं, तो वो दूर से दौड़ के स्पीड से दौड़ के आके वो डॉगी लोगों को भगाया, तो देखिए ये भी है ना,
मैं दिल से जो महसूस करती हूँ वो कभी भी, अभी भी जाएंगे तो आवाज देके जाएंगे, शाम को एक बार आवाज देके जाएंगे, अम्मा तेरा सर, सुबह भी तो मेरे बच्चे लोग, मम्मी आ गया, और भी और जोड़ो। मेरा हस्बैंड बोला तुम एक काम करो, तो तुम डॉगी लोगों मुर्गी लोगों इतना मीट बना बना के लेके खिलाती हो, कभी अपना हाथ टांग भी काट के खिला दो। बोला वो भी मैं कर सकती हूँ, अगर करना, अगर कुछ ना बचा तो मैं अपना हाथ पाँव भी काट के खिला सकती हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ कि वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो दोस्तों आज तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली, और इसके बाद में जो आप देखेंगे मेरे जो मैंने आपसे कहा है, अगर आप सबको पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस मैं यहाँ पे एंड करूंगी। अगर और भी आपको और भी कहानी सुनना है, मेरे बच्चे लोगों का क्या क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे पढ़ाई किया, क्या क्या किया उन्होंने भी लाइफ में, तो हस्बैंड क्या क्या करते हैं और उनका स्वभाव कैसा है, और भी अगर आप सबको अगर जानना है मेरे परिवार के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे ये जानना, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पूरी बात बताऊँगी तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी लॉन्ग, तो आप सबके पास टाइम आजकल किसी के पास नहीं कि इतनी लॉन्ग वीडियो कोई देखे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही यहाँ एंड करती हूँ आज की वीडियो। तो आप सबको अच्छा लगेगा मुझे मालूम है, हर किसी का, मुझे आप सबका भी देख के, और भी चैनल में, ये नहीं कि मेरी चैनल है बोलते मैं किसी के चैनल नहीं देखती हूँ, नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं सबकी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सबको लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, और मैं अच्छे लगे तो मैं शेयर भी करती हूँ, क्योंकि देखो इनका बहुत अच्छा बढ़िया है। तो हम सब इकट्ठे हैं, हम सब परिवार है, यूट्यूबर जितना है हम सब परिवार है, हम सब अच्छे से रहे, हम सब अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अभी मेरी एज है इतनी, तो मेरी 47 एज अभी चल रही है, तो बुढ़िया हो जाऊंगी थोड़ी दिन में, तो अभी तो थोड़ा सा वीडियो कर लो, उसके बाद बुढ़ापे में डालेंगे, लाइफ टाइम में डालूंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी और लाइक करें। तो आज के लिए मैं बस यहाँ पे करते हैं, आप सबका शुक्रिया, नमस्ते, एंड करती बाय।